हाय गाइस, आपके अपने डिजिटल रिपोर्ट से एक बार फिर से स्वागत है। ये रही हमारी रोड साइड पर बिकने वाली एकदम से फूली फूली कचौड़ी, और खास बात ये कि बहुत सस्ती पड़ती है। बहुत ही कम आलू के साथ आप बहुत सारी कचौड़ी बना सकते हैं भाई। तभी तो रोड साइड वाले उस रेट में आपको दे पाते हैं जिस रेट में आप खाना चाहते हैं, यानी कि 10 की 3 या 10 की 4 कचौड़ी, वो भी सब्जी के साथ। अब रोड साइड वाली कचौड़ियों की एक खास बात होती है कि ये जितनी अच्छी तरीके से फूली होती है उतनी ही ये क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। चलिए तो मैं एक आपको कचौड़ी तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। अब मैं इसको आपको चूर चूर नान की तरीके से करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, है ना, एकदम से चूर चूर होने वाली। ये कचौड़ी काफी टेस्टी लगती है क्योंकि इसे बेल कर सेंका जाता है और काफी पतला बेला जाता है, जिसकी वजह से ये काफी टेस्टी लगती है और कुरकुरी भी बनती है। और इसी के साथ ये रही हमारी सब्जी, जो बिल्कुल रोड साइड वाली बनी हुई है। थोड़ी सी खट्टी है और काफी टेस्टी है। बिल्कुल वैसे ही मैंने इस रेसिपी को बनाया है जिस तरीके से आप रोड साइड पर या ठेले पर खड़े होकर इस तरीके की कचौड़ी और सब्जी को एंजॉय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि रोड साइड पर बिकने वाली ये कचौड़ी इस सब्जी के साथ जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीनन आप कभी भी सिर्फ कचौड़ी नहीं बनाएंगे, इस सब्जी को जरूर बनाएंगे और आपको बिल्कुल रोड साइड पर बिकने वाली कचौड़ी का स्वाद आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। फिलहाल इस स्वाद से भरी हुई रोड साइड की कचौड़ी और आलू की सब्जी को बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे एक अदरक के कूटदान से। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक अदरक का कूटदान, और अब इसमें डालेंगे हम 20 से 30 ग्राम जितना अदरक। अब अदरक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से कुचलेंगे। जितनी अच्छी तरीके से अदरक कुचल जाएगा उतना ही टेस्ट आपकी सब्जी में आएगा। ये एक विशेष ट्रिक है जो मैं आपको एडवांस में दिए देता हूँ। अदरक अच्छी तरीके से कुचल चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट मेरे पास कोई सी भी नहीं है तो मैंने ये दोना ले लिया था जो बगल में डला हुआ था, तो इसी में हम अदरक को निकाल लेते हैं। और अब फिर से लेंगे अदरक कूटदान, और अब डालेंगे इसमें हम 9 से 10 हरी मिर्च, और इसको भी हम अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। ये एक विशेष ट्रिक है जो हलवाई वाले हमेशा यूज करते हैं जब वो रोड साइड वाली सब्जी बनाते हैं या समोसा बनाते हैं, तो वो उसमें हमेशा अदरक और हरी मिर्च को कुचल कर ही डालते हैं। हम लोग क्या है, घर पर नॉर्मल उसे काट के डालते हैं। काट के डालने से और कुचल के डालने से जो हमारी सब्जी है उसके टेस्ट में काफी अंतर आ जाता है। तो अगर आपको रोड साइड वाली सब्जी चाहिए तो कुचल कर डालें, और घर वाली तो भाई आप काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमारी मिर्च और अदरक कुचल चुका है तो ले लेंगे एक हम चॉपिंग बोर्ड, और अब लेंगे यहाँ पर हम 2 लाल लाल टमाटर, और अब इसको हम इस तरीके से काटेंगे। बहुत ज्यादा छोटा नहीं काटना है, बस इस तरीके से काटना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। टमाटर कट के रेडी है तो इसे भी एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब लेंगे 500 ग्राम जितने आलू या लगभग 6 मीडियम साइज के आलू, और अब आलूओं को इस तरीके से बड़ा बड़ा तोड़ लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा नहीं रखना है, नहीं तो सब्जी में घुल जाएंगे। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा हमें बड़ा बड़ा ही रखना है, तभी इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। तो छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स है जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी रोड साइड वाली कचौड़ी और सब्जी नहीं बनेगी। अब आलू हमने तोड़ लिए हैं तो बस इतनी ही तैयारी इसमें करनी है। तो अब चलते हैं हम सीधा गैस की तरफ, और ले लेंगे इस तरीके की एक हम कढ़ाई, और अब इसमें डालेंगे हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, लगभग 1 बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम ही होगा। तो आप तेल की मात्रा थोड़ी सी कम भी रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें एक तेज पत्ता तोड़कर डाल देंगे। तेज पत्ते की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखें, और अब डालेंगे 3/4 टेबल स्पून जितना जीरा। इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून जितनी हींग की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब डालेंगे इसमें कुचली हुई अदरक और हरी मिर्च, और अब इसे हम भून लेंगे। भूनना बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छी तरीके से भून जाएंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। 1.5 मिनट हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे आलू। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम मटर, लगभग 1.5 कटोरी जितनी। मैंने यहाँ पर ताजी मटर ली है, आप चाहें तो ग्रीन वैली मटर भी ले सकते हैं। और अब मटर और आलू को थोड़ा सा चला लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें हम पिसे हुए मसाले। मसालों में लेंगे 1 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे हल्दी पाउडर, और लगभग 1 टेबल स्पून जितना ही गरम मसाला डालेंगे। इन चीजों को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो इस सब्जी का स्वाद बिल्कुल भी मार्केट जैसा नहीं आएगा। तो जितने भी मैंने मसाले डाले हैं सारे के सारे आपको डालने हैं। इसी के साथ 1.5 टेबल स्पून जितनी धनिया पाउडर, और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पर मसाले मैंने बाद में डाले हैं, अगर मैं पहले डाल देता तो मसाले जल जाते, तब भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मसाले आलू और मटर डालने के बाद ही डालें। और इसी के साथ अब डालेंगे इसमें हम थोड़े से पुदीने के पत्ते। ऑप्शनल हैं तो डालिएगा, नहीं है तो बिल्कुल मत डालिएगा, बहरहाल हलवाई वाले तो डालते हैं। और अब डालेंगे इसमें हम पानी, लगभग 800 ml जितना डालेंगे। पानी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें,
क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सी पतली बनती है, बिल्कुल गाढ़ी नहीं बनती है। गाढ़ी हो जाएगी तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो हल्की सी इसे पतली ही रखें। वैसे भी जैसे जैसे ही बनके तैयार होगी वैसे वैसे ये थोड़ी सी गाढ़ी ही होगी। और अब इसको हम खोलकर ही पकाएंगे, ढकना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कर देते हैं गैस की फ्लेम को हाई। इसे पकने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगेगा। सब्जी में उबाल आ चुका है तो अब इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट और पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे हम नमक, लगभग 1 टेबलस्पून जितना डाल रहा हूँ। और अब डालेंगे इसमें हम टमाटर। टमाटर हमने बाद में डाला है क्योंकि टमाटर हमें थोड़ा सा इस सब्जी में साबुत चाहिए, एकदम से मैसी मैसी नहीं होना चाहिए, तो बस इसीलिए टमाटर हम इस सब्जी में बाद में डालते हैं। अब इसे फिर से हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। लगभग 3 मिनट हो चुका है और अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना अमचूर पाउडर, यानी कि खटाई। ये घर की खटाई है तो 1.5 टेबल स्पून जितने में काम चल जाएगा। अगर आप मार्केट से लाएं तो इसे 2 टेबल स्पून से कम बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सी खट्टी होती है। इसी वजह से इसका स्वाद घर की जो सब्जी बनाते हैं उससे काफी अटके आता है। तो आप अमचूर पाउडर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। अमचूर पाउडर लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी मटर है वो अच्छी तरीके से पक जाए। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद डालेंगे इसमें काला नमक लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, इसी के साथ गर्म मसाला। थोड़ा सा गर्म मसाला बाद में जरूर डालते हैं तो इसे भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जितना डाला होगा, इसी के साथ हरा धनिया। लीजिए बनके तैयार है रोड साइड पर बिकने वाली स्वाद से भरी हुई आलू और मटर की सब्जी। ये आगरा और मथुरा में आपको इजीली मिल जाएगी। काफी टेस्टी सब्जी होती है और इसके साथ खस्ता या कचौड़ी कुछ भी खाएं, उसका स्वाद अपने आप काफी बढ़ जाता है। तो भाई सब्जी बनके तैयार है तो अब बना लेते हैं कचौड़ी। तो इसकी तैयारी के लिए लेंगे फिर से हम आलू। आलू लगभग मैंने यहाँ पर 6 छोटे साइज के लिए है, अगर आप बड़े साइज के लें तो 4 से भी काम चल जाएगा। और अब लेंगे एक बर्तन और जो हमारे आलू है उनको करेंगे हम कद्दूकस। जी हाँ, यहाँ पर हम आलू को मैश नहीं करेंगे, कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने से जो हमारी कचौड़ी है वो आसानी से बिल जाती है और आलू की जो गुठलियाँ हैं वो भी इसमें बिल्कुल नहीं आती हैं। तो जब भी आप इस तरीके की कचौड़ी बनाएं तो आलू को कद्दूकस करके ही डालें, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। आलू कद्दूकस हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे हरा धनिया लगभग 1 कप जितनी है, इसी के साथ 1/2 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर और लगभग गर्म मसाला 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, धनिया पाउडर लगभग 1.5 टेबल स्पून जितनी, काला नमक लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, और उसी क्वांटिटी में डालेंगे हम सफ़ेद नमक, इसी के साथ 3 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब देखिएगा जो हमारा आलू है उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। अगर इसे हम किसी भी चीज़ से मैश करते तो इसमें काफ़ी गुठलियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कचौड़ी है वो बेलते समय आसानी से फट सकती है। तो बस मार्केट वाले भी इसको कद्दूकस करके डालते हैं और आसानी से वो पतली पतली कचौड़ियाँ बनाते रहते हैं। आलू का मिश्रण तो बनके तैयार हो चुका है तो बस अब कचौड़ी के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो लेंगे एक हम बड़ा सा बर्तन और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटोरी जितना गेहूं का आटा और अब इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से ना डालें। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो कचौड़ी का डो बनाना है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि जितना कचौड़ी का डो सॉफ्ट बनेगा और जितनी अच्छी तरीके से गुथेगा उतनी ही जल्दी आपकी कचौड़ी बनेगी और एक भी कचौड़ी आपकी फटेंगी नहीं। तो बस इसे आप अच्छी तरीके से मसल मसल के गूंथ लीजिएगा। डो गुथ के रेडी है तो अब इसकी हम कचौड़ी के लिए थोड़ी सी लोइयां काट लेते हैं। तो थोड़ा सा हम डो लेंगे और इस तरीके से हम छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। तो जिस आकार की आप कचौड़ी रखना चाहें उस आकार की आप लोई लें। फिलहाल जो रोड साइड पर बेचते हैं वो कचौड़ी तो पतली रखते हैं पर उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं रखते, मीडियम साइज में बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काटेंगे। लोई हमने काट ली है और अब हम एक लोई ले लेते हैं और इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से हम फैला लेते हैं। और अब भरेंगे इसमें हम आलू का मिश्रण। बहुत ज्यादा ना भरें, थोड़े से ही काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा भरेंगे तो कचौड़ी आसानी से फटेगी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी इसकी कम रखें तभी ये काफी क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी इसका काफी अच्छा आएगा। कचौड़ी हमारी भर चुकी है तो बस अब इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और इस तरीके से हम बेल लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। फिलहाल सूखा आटा लगाने से क्या है, तेल जल्दी से खराब हो जाता है, तो इसीलिए जो हलवाई वाले या रोड साइड पर कचौड़ी बनाते हैं वो उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और तब इन कचौड़ियों को बेलते हैं, जिससे क्या है उनका तेल भी खराब नहीं होता है और जो कचौड़ी है वो भी काफ़ी टेस्टी बनती है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी बेल लेते हैं। लीजिए कचौड़ी हमारी बनके तैयार है तो बस अब कचौड़ियों को हम सेंक लेते हैं। तो ले लेते हैं हम 2 कचौड़ी और अब चलते हैं गैस की तरफ। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था तो अब इसमें डाल देंगे हम कचौड़ी। टेंशन ना लें, एक एक कचौड़ी फूलेगी क्योंकि कचौड़ी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है और इसके अंदर जो आपने मिश्रण भरा है वो भी बिल्कुल परफेक्ट भरा है। अब कचौड़ी एक तरफ सिक चुकी है तो इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिएगा एक एक कचौड़ी अच्छी तरीके से फूल रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी की सारी कचौड़ी अच्छी तरीके से ही फूलेगी जब आप मेरी तरीके से कचौड़ी बनाएंगे। तो अब कचौड़ियां बनके तैयार हैं तो सर्व कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड साइड पर कचौड़ी और उसकी सब्जी मिलती है।
तो लेंगे एक हम दोना और इसमें डालेंगे सबसे पहले हम सब्जी, इसी के साथ थोड़ा सा दही, दही जरूर डालें, टेस्ट काफी अच्छा आएगा। और अब रख देंगे अपनी हम कचौड़ी। लीजिए बनके तैयार है रोड साइड वाली स्वाद से भरी हुई कचौड़ी और उसकी ये सब्जी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और जल्द से जल्द इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करेंगे। जब ट्राई करें तो अपना फीडबैक दें और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और हमारे इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।